हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कविता कौशिक और बड़ा इंटरेस्टिंग दौर चल रहा है इस देश में, जहां बातें हो रही है आत्मनिर्भर होने की, स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं या फिर लोग वीडियो बना बनाकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और लड़ रहे हैं, यही सब हो रहा है। जो मेन चीज है, आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, हम स्वदेशी कैसे बनेंगे, जब हमारे देश के लोग, हमारे देश के कारीगर, हमारे देश के आर्टिजन्स, गरीब कारीगर, उनके हाथों की बनी हुई चीजें जब हम खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे तब बनेंगे ना हम आत्मनिर्भर। तो आर्टिजन्स की कोई बात नहीं करता। आइए मैं आपका ध्यान केंद्रित करती हूँ हमारे देश के उन आर्टिजन्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा गुमनाम और दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। एक उदाहरण देती हूँ, आप लोगों ने एयरपोर्ट्स में वो हाथी देखे, वो जालीदार जो हाथी बिकते हैं, करीबन 4,500 रुपए का बिकता है एक हाथी। वो हमारे आर्टिजन्स के हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। आपको पता है उसकी क्या कीमत उस आर्टिजन को मिलती है जिसने वो हाथी बनाया है? एक हाथी की कीमत गेस करिए, 22 रुपए। जी हाँ, 22 रुपए मिलते हैं उसको उस 4,500 रुपए के हाथी के। और गरीबी और परेशानी में जब वो लोन लेता है लोकल मनी लेंडर से, यानी कि साहूकार से जब वो लोन लेता है, तो 120% पर एनम के ऊपर उनको लोन दिया जाता है। एक परिवार का खर्चा 4,500 रुपए बांध के समझिए, और वो पैसा तक वो जुटा नहीं पाते और कई बार उनको अपनी बेटियां गिरवी रखनी पड़ती हैं। जी हाँ, इतनी खराब हालत है हमारे देश के आर्टिजन्स की, क्योंकि वो तो वर्कर्स की, माइग्रेंट वर्कर्स की श्रेणी में भी नहीं आते क्योंकि वो अपने घर से काम करते हैं। 140 रुपया प्रतिदिन का उनका खर्चा है, जो शायद हमारे लिए एक कॉफी या एक स्नैक, एक फ्रेंच फ्राइज या एक बर्गर की कीमत होगी, है ना? तो आइए उनकी मदद करते हैं, आइए थोड़ा सा शोर मचाते हैं हमारे देश के आर्टिजन्स के लिए, सबका ध्यान आकर्षित करते हैं उन आर्टिजन्स की ओर जो एक्चुअली अपने हाथों से सामान बना रहे हैं, और हमें वो खरीदना चाहिए। और लोग कहते हैं कि भाई हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नहीं, एक्सपेंसिव वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो हाथ से बना रहा है वो महंगी बेच रहा है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये जो बीच वाले हैं ना, वो सब महंगा कर दे रहे हैं और वो खूब मुनाफा कमा रहे हैं, शोषण भी कर रहे हैं आर्टिजन्स का, और हमें पता ही नहीं लगता। सरकार से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि थोड़ा सा इनको फोरफ्रंट में लाइए। जिस तरह हमारे फार्मर्स हमारे देश की बैकबोन है, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है, सिमिलरली आर्टिजन्स भी आर द सेकेंड हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन दिस कंट्री। वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल। हम हमेशा नेगेटिव में क्यों, लड़ने वड़ने में क्यों इतने वीडियोस बना लेते हैं? हम कुछ पॉजिटिव चीज या एक इम्पॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान एक आकर्षित अपना नहीं करते, ना दूसरों का करते। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। एक बहुत छोटी सी अच्छी सी कंपनी, एक लड़की मुझे मिली है जिनकी कंपनी है हाउस ऑफ आर्टिजन्स, और वो कुछ फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। तो मैं इस वीडियो को शेयर करूंगी और साथ ही उनकी वेबसाइट का लिंक डालूंगी और कुछ और लिंक शेयर करूंगी जहां आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन आर्टिजन्स के लिए। और आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज थोड़ा सा शोर मचाइए अबाउट the poor people of our country, जो अपने हाथ से काम कर रहे हैं, उनको फोरग्राउंड में लाके, फोरफ्रंट पे लाकर उनको इज्जत, उनको पैसे, उनको वो जिंदगी जो वो डिजर्व करते हैं वो देने के लिए क्यों ना मैं और आप थोड़ा प्रयत्न करें। चीजें खरीदें, उनसे डायरेक्टली खरीदें। कैसे करना है, आइए मिलकर इसका समाधान ढूंढते हैं। लेट्स सपोर्ट हाउस ऑफ आर्टिजन्स।